हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज फाइनाइट डिफरेंसेस का 16th लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फाइनाइट डिफरेंसेस का 10th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट डेल्टा माइनस डेल इक्वल्स टू डेल्टा इनटू डेल एंड हेंस शो दैट डेल्टा प्लस डेल इक्वल्स टू डेल्टा बाय डेल माइनस डेल बाय डेल्टा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम में हमें दो इक्वेशंस प्रूफ करने के लिए कही है। इसका मतलब यहां पे इनडायरेक्टली दो प्रॉब्लम है। यहां पे ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो चलो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन प्रूफ करेंगे। पहले इक्वेशन के लेफ्ट साइड में है डेल्टा माइनस डेल और राइट हैंड साइड में है डेल इंटू डेल्टा। तो हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन अगर प्रूफ करना है तो चलो पहले इक्वेशन के लिए हम यहां पर लिखेंगे पार्ट वन। पार्ट वन में क्या प्रूफ करना है, दैट इज डेल्टा माइनस डेल इक्वल्स टू यहां पे डेल्टा इनटू डेल, ऐसा इक्वेशन है। तो हम एक काम करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम ले लेंगे। देखो LHS, अगर हम LHS लेंगे तो LHS में क्या लिखा है, डेल्टा माइनस डेल। तो ये हम लिखेंगे डेल्टा माइनस डेल। अब डेल्टा और डेल आपको शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो इसका रिलेशन हम आपको लिख के देते हैं। तो रिलेशन ऐसा है, डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस वन और डेल का रिलेशन है दैट इज वन माइनस ई इनवर्स। तो ये यहां पे डेल्टा और डेल का रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप काफी आसानी से ये प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये इक्वेशंस का प्रूफ इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको ये रिलेशन आसानी से मिल जाएगा। तो चलो यही रिलेशन का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा माने ई माइनस वन होता है। तो हम यहां पर डेल्टा की जगह यहां पर ई माइनस वन यहां पर पुट करेंगे। डेल्टा माने ई माइनस वन और डेल मतलब क्या होता है, तो डेल मतलब 1 माइनस ई इनवर्स होता है। तो हम यहां लिखेंगे 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा मतलब डेल्टा यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ई मतलब शिफ्ट ऑपरेटर और ई इनवर्स मतलब इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए, उसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो देखो हमने ये जो भी रिलेशन है वो हमने यहां पुट कर दिए और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहां पे बीच में माइनस है तो यहां पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। तो हम ये बिना ब्रैकेट के लिखेंगे ई माइनस वन माइनस वन माइनस ई इनवर्स, ठीक है। अब ये माइनस वन का एडिशन करो तो ये होगा दैट इज ई माइनस टू माइनस ई इनवर्स। लेकिन ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिलहाल ये जो LHS हमने यहां तक सॉल्व किया है ये इसको ऐसा ही रहने दो। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन कहेंगे। तो हमने क्या किया, पार्ट वन में जो हमें इक्वेशन प्रूफ करना था, पार्ट वन का जो ये इक्वेशन प्रूफ करना था, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए। अब एक काम करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको मतलब ये LHS को RHS के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो इसका राइट हैंड साइड, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज RHS, RHS पार्ट वन का क्या है, डेल्टा इंटू डेल। तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा इंटू डेल और अब फिर से ये जो रिलेशन है ये रिलेशन यहां पर पुटअप करना है। डेल्टा मतलब क्या होता है, ई माइनस वन होता है, तो हम लिखेंगे, और डेल मतलब क्या होता है, 1 माइनस ई इनवर्स होता है, तो ये हमने यहां लिख दिए। और यहां दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए ऐसा, ई से पहले दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, फिर 1 से दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है, तो यहां पर ई इंटू 1 तो ये हो गया ई, ई इंटू ई इनवर्स तो ये हो गया, ये देखिए माइनस है तो माइनस यहां लगा दो, ई इंटू ई इनवर्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वन इंटू वन तो ये हो गया माइनस वन, माइनस वन इंटू ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ ई इनवर्स, इस तरह से। और अब ये क्या होगा, देखो पहला ई एज इट इज है, ये जो लास्ट वाला ई है ये भी एज इट इज ई इनवर्स, ये एज इट इज रखो, ये माइनस वन भी एज इट इज रखो। तो ये देखिए ये माइनस वन और ये प्लस ई इनवर्स, ये हमने एज इट इज रखे, ठीक है। लेकिन ये जो है टर्म ई इंटू ई इनवर्स इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा वन, तो ये हो गया माइनस वन, इस तरह से, ठीक है। ये e as it is है, माइनस एज यहां पे as it is रखे, e इंटू ई इनवर्स वन हो गया क्योंकि e और e कैंसल हो गया तो वो यहां पे वन बच गया, तो ये हमने लिखे, ये माइनस वन यहां पे है, e इनवर्स यहां पे है, और ये हम इसको लिखेंगे e माइनस टू प्लस ऑफ e इनवर्स।
तो ये हमने क्या किए, RHS यहां तक सॉल्व कर लिए, ये और सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। तो ये देखिए, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जो यहां पे थोड़ी देर पहले पार्ट 1 में ये इक्वेशन प्रूफ करना था, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए, ये आया था, इसका राइट हैंड साइड हमने ले लिए, ये आ गया। और दोनों देखो, दोनों बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहां पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। तो फाइनली हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा माइनस डेल इक्वल्स टू डेल्टा इनटू डेल। ये हमने पहला इक्वेशन, इट मींस पार्ट 1 का जो पहला इक्वेशन है वो हमने प्रूफ कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें ये देखिए ये एक और इक्वेशन प्रूफ करना है। तो ये इक्वेशन में लिखा है डेल्टा प्लस डेल इक्वल्स टू डेल्टा बाय डेल माइनस डेल बाय डेल्टा। तो चलो ये इक्वेशन प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें काम करेंगे जो इसका राइट हैंड साइड है वो हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो पार्ट 2 हम यहां पे लिखेंगे पार्ट 2 को हमें सॉल्व करना है। तो पार्ट 2 में जो RHS है वो हम यहां पे ले लेंगे। देखो पार्ट 2 का ये जो इक्वेशन हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले वो इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे, दैट इज डेल्टा प्लस डेल इक्वल्स टू यहां पे डेल्टा बाय डेल और फिर क्या है माइनस डेल बाय डेल्टा। तो ये हमने इक्वेशन यहां पे लिख दिए और इसका राइट हैंड साइड हमें लेना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे RHS क्या है, डेल्टा बाय डेल माइनस डेल बाय डेल्टा। तो ये इस तरह से ये RHS है और अब इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा डेल्टा इनटू डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर माइनस ये डेल इनटू डेल, तो ये हो गया डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पे डेल्टा इनटू डेल, यहां पे हम कर देंगे दैट इज डेल्टा इनटू डेल। तो इस तरह से ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब हम यहां पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए यहां पे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला हम यहां पे आपको लिख के देते हैं। फार्मूला ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूले का यूज हम यहां पे करेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पे है ना डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर, तो ये ए और बी के साथ कंपेयर करो। तो आसानी से आप ये फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम यहां पे लिखेंगे इक्वल्स टू न्यूमरेटर में ये हो जाएगा दैट इज डेल्टा प्लस डेल इनटू दैट इज डेल्टा माइनस डेल। तो ये देखिए ये हमने ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिए और जो डिनोमिनेटर में है वो डेल्टा इनटू डेल ये एज इट इज रहने दो। तो फाइनली यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिए, लेकिन प्रूफ दैट में जो हमें इक्वेशन प्रूफ करने के लिए कहा है उसके लेफ्ट साइड में जो है वो अभी भी नहीं आया, तो वो कैसे आएगा। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की जगह देखो हम क्या करेंगे, यहां पे जो दो इक्वेशन प्रूफ करने के लिए कहा था उसमें पहला इक्वेशन तो हमने प्रूफ कर लिए। देखिए ये जो पहला इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन हमने ये जो प्रूफ किए इसमें हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि डेल्टा इनटू डेल डेल्टा माइनस डेल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ये जो आंसर है वो हम पुट करेंगे। इट मींस डेल्टा इनटू डेल की जगह डेल्टा माइनस डेल यहां पे हम पुट करेंगे। तो ये हम यहां पे लिखेंगे दैट इज डेल्टा प्लस डेल इनटू डेल्टा माइनस डेल डिवाइडेड बाय यहां पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा माइनस डेल लिखेंगे। तो ये हमने यहां पे डिनोमिनेटर में चेंजेस किए और अब यहां पे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हमने कैंसिल कर दिए और जो बचेगा वो हम यहां पे लिखेंगे। तो क्या बचेगा, तो ये डेल्टा प्लस डेल का ये ब्रैकेट बच गया। और प्रॉपरली चेक करो, ये प्रूफ दैट में यही इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इट मींस हमें यहां पे LHS मिल गया। तो हम यहां पे लिखेंगे यही LHS है और हेंस प्रूफ, ये इक्वेशन यहां पे प्रूफ हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी प्रूफ करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने यहां प्रूफ कर दिए, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था फाइनाइट डिफरेंसेस का आज का लेक्चर नंबर 16। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।